व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15D। और एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 21 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अ होलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ अ मेटल ऑफ डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देना। आगे कह रहा है, इफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेट ऑफ द सेल। हमें क्या करना है, सेल का वेट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग पहले सेल को समझ लेते हैं। तो हमारा सेल होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। बीच में क्या होता है, खाली होता है, बीच में कुछ नहीं होता है, बस इतना जहां पर देखो हमने कलर कर दिया, पेन डार्क कर दिया है, ये हमारा सेल है, बीच में कुछ नहीं। अब इसका हमें वेट निकालना है, ठीक है, एक तरह से मानो ये छल्ले की तरह है, बीच में कुछ नहीं है, वो साइड साइड है, इसका हमें वेट निकालना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 4.5 ग्राम का, तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी जो इंटरनल, देखो यहां पर पहले बात किसी की गई है, इंटरनल की, तो ये इंटरनल रेडियाई हो गई। फिर बात की एक्सटर्नल की, तो ये एक्सटर्नल की रेडियाई हो गई, ठीक है। जिसकी पहले बात की जाएगी वो पहले होता है, जिसकी बाद में बात की जाएगी वो बाद में, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो यहां पर इंटरनल है, इंटरनल रेडियाई जो दी गई है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से, ठीक है, इसे R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना, इंटरनल है 8 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास एक्सटर्नल दी गई है रेडियाई है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग R1 से, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ये हो गया एक्सटर्नल रेडियाई, ये हो गया इंटरनल रेडियाई, ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास जो एक सेल है उसकी एक्सटर्नल है 9 सेंटीमीटर रेडियाई और इंटरनल है 8 सेंटीमीटर रेडियाई। हमें निकालना है वेट, तो वेट कैसे निकालेंगे, यहां पर आ जाओ। क्वेश्चन ने बताया कि जो हमारे पास डेंसिटी वो 4.5 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रही है, की गई है। तो सेंटीमीटर क्यूब कब आता है, जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने क्या बता दिया है कि हमें यहां पर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर तो 2 रेडियाई दी गई, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा सा लॉजिक है। देखो यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है सेल, ठीक है, वो 20 से खाली है, हमें वॉल्यूम चाहिए इतने पार्ट का, जितना ये काला काला दिख रहा है, नीला नीला, इतने पार्ट का हमें रेडियाई चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा अंदर के वॉल्यूम से। कैसे करेंगे वो भी आते हैं। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, सिंपल सा वॉल्यूम चाहिए, किसका चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। देखो ऊपर की बेसिक बेसिक बात समझ गए, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो यहां पर किसकी चाहिए हमें, सेल की चाहिए। तो यहां पर लिख दिया सेल इक्वल्स टू, हमने क्या बताया कि जो बाहर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो हमारा बाहर का होगा उसको माइनस कराना पड़ेगा अंदर के वॉल्यूम से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 होता है, ठीक है, और क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पर होता है आर, और ये होता है क्यूब होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा ये बाहर का वॉल्यूम है, देखो यहाँ पर जो बाहर मतलब एक्सटर्नल रेडियाई था वो कितना था, R1 था। तो हम लोग R को यहाँ पर लिख देते हैं R1, तो इससे हमें ये पता चलेगा ये वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बाहर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करना है हमें अंदर के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4/3, यहाँ लिख दिया पाई, यहाँ कर दिया आर, ये हो गया हमारे पास क्यूब, और यहाँ पर हो गया R2, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग सेल बनाते हैं और इसे समझते हैं, ये हो गया हमारा सेल, अंदर की रेडियाई हो गई ये हमारे पास कितनी 8, और ये बाहर की रेडियाई हो गई हमारे पास 9, ये बात समझ में आ गई। हमें चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, तो इसके लिए हमने क्या किया, अंदर वाले को माइनस करा दिया इस पूरे से, समझ में आ गया। अब देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों में है, तो हम लोग इसे कॉमन कर सकते हैं, तो लिखा 4/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, R³ 1 माइनस हो जाएगा R, ये हो जाएगा क्यूब 2, ठीक है, इतना क्लियर है। R1 हमारे पास कितना है, 9 है, तो यहाँ लिखा हमने 4/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22/7 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर R1 हमारे पास है 9 का क्यूब, यहाँ पर 9 का क्यूब कर दिया, माइनस R2 हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8 का क्यूब, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब 9 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर लिखो 4/3 × 22/7, और यहाँ पर लिखा हमने 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, माइनस 8 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 512,
तो लिख दिया 512। इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 एक और यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 217। यहाँ लिखा हमने 4/3, ये हो गया इनटू, ये हो गया 22/7 और यहाँ पर हमने लिख दिया कितना 217। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 होगा 31 होगा, 88 इंटू 31 कर दो तो 31 करोगे ना तब कितना आ जाएगा हमारे पास, तब आ जाएगा हमारे पास 2728, ये आएगा डिवाइड में आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2728 डिवाइड में आ गया 3। अब इसको हम लोग ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, यहीं तक रखेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आगे जाके खुद कट जाएगा, इजिली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ द सेल, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सेल हमें ये मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि हमारे पास जो डेंसिटी है, ठीक है, इसकी वो कितनी है, हमारे पास 4.5 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी वेट निकाली, ठीक है, वेट निकालने के लिए कहा है फाइंड द वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ द सेल, यहां पर लिखा हमने वेट ऑफ द सेल, तो फाइंड किया हमने वेट ऑफ द सेल, कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सेल इनटू कर देंगे हम लोग यहां पे डेंसिटी पर क्यूबिक। ठीक है, या फिर लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सेल हमारे पास कितना है, 2728 है, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेंसिटी कितना है, 4.5 ग्राम है ना, तो यहाँ लिख दिया 4.5, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, 5 से क्या 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, कितना सिंपल चला गया। क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 1364 इंटू बचा 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा और 19 9 10 1 2 4, ठीक है, तो 4092 आ गया, ये आ गया हमारा ग्राम है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, इसका वेट निकला, वेट ऑफ द सेल हमें कितना मिल गया, 4092 ग्राम। देखो ग्राम में आ रहा आंसर तो ठीक है, मगर आपका आंसर आएगा केजी में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग ये थोड़ी बोलते कि 4000 ग्राम का, ये कहते हैं 4 किलो कुछ ग्राम, ऐसा करते ना, तो इस केजी को हमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी इस ग्राम को चेंज करना पड़ेगा हमें केजी में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखा 4092, ये कर दिया डिवाइड में हमने कर दिया 1000, इक्वल टू कर दिया हमने, तो यहाँ आ गया 4.092, ये हो गया केजी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा था, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, अ हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। क्वेश्चन 22 ने कहा है कि भैया एक हमारे पास हेमिस्फीयर शेप का एक लेड है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, फिर उसको पिघला दिया गया और पिघला के बना दिया गया कोन। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, कोन बनाया गया। अब कह रहा जो कोन हमारा बना है उसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर, तो भैया बता दो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, अब उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ने क्या किया कि भैया लेड को पिघलाया है, कोन बनाया है, कोन की हाइट दी गई और रेडियस पूछ लिया गया है। अब एक चीज ध्यान देना इस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए, शुरुआत में भी ऐसे क्वेश्चन थे, किसी चीज को पिघला के कुछ और चीज अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है पता है, उसमें ये चीज याद रखने की जो चीज जिसको पिघलाया जा रहा है और जो बनाया जा रहा है, उन दोनों चीजों का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सेम होगा। समझ गए इतनी बात, क्लियर हो गए, इनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 समझ में आया, तो देखो हमें करना क्या, आ जाओ 22 में, अरे सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन में हमें पता है रेडियस, ठीक है, रेडियाई, रेडियाई किसका पता है, हेमिस्फीयर का, तो लिखते हैं रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और हमें हाइट दी गई है, हाइट किसकी दी गई है, हाइट दी गई है हाइट ऑफ कोन। ठीक है, कोन की हाइट है वो है हमारे पास 72 सेंटीमीटर, और भैया हमको निकालना है क्या, कोन की रेडियस, रेडियस ऑफ द कोन
ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है ठीक है। तो हमने क्या बताया कि इसको पिघलाया ये बनाया, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ठीक है ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोर ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 ठीक है, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा, तो पाई आर यहां पर कर दिया क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 ठीक है, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आर और यहां पर होगा स्क्वायर एच ठीक है। यहां पर चाहो तो स्मॉल आर कर देना, स्मॉल आर स्क्वायर एच ठीक है। ये किसका है, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, और ये होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ठीक है। इतना ये चीज याद रख लेना, अगर फॉर्मूले ही नहीं आते तो भैया कैसे लड़ाई लड़ोगे, अगर तुम्हारे पास तलवार छुरी है ही नहीं तो जंग कैसे जीतोगे। तो वही चीज है, जंग जीतना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भैया तुम्हें फॉर्मूले को आना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो 3 हमारा डिवाइड में, एक इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आएगा 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास आर, ये हो गया क्यूब इक्वल्स टू यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर एच। एच हमें कितना पता है, 72 हमें पता है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 72 कर दिया। अब यहां पर ना जो रेडियस है वो हमें पता है कितनी है, 9 सेंटीमीटर पता है ना, हेमिस्फीयर की रेडियस 9 सेंटीमीटर रख देते हैं, यहां लिखा 2 × 9 × 9 × 9 की पावर 3 है ना, सॉरी रेडियस की पावर 3 है ना, तो 9 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 72 मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा डिवाइड में, तो 72 इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया ठीक है। अब इसे हम लोग करके देखते हैं, तो ये जा सकता है हमारा 3 × 3 = 9 चला गया, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 हो गया, तो 24 आ गया है ना। तो 3 से अब 2 से करके देखते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 3, 3 से करो 3 × 4 = 4 आ गया। अब यहाँ पर है 9 × 9 ठीक है, ये हो गया 9 स्क्वायर, और यहाँ पर है क्या 4 है ना, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू लिख दिया हमने यहाँ पर आर, आर है ना यहाँ पर स्मॉल था तो इसको हम लोग स्मॉल ही करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल कर दिया और यहाँ पर लिख दिया आर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट है तो ये हमारा कैंसिल, तो बाहर क्या आ गया 9/2 और ये आ गया आर। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.5, ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया रेडियस ठीक है। तो रेडियस आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन ठीक है, क्वेश्चन 22 समझ में आ गया। तो रेडियस हमने कितनी निकाली, 4.5 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23, अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन अ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बॉटल आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल। क्वेश्चन कहना है कि एक हमारे पास बड़ा सा कटोरी है या फिर बोलो कटोरा है ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भरा है, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, पानी दारू कुछ भी ठीक है, वो भरा हुआ है। अब कह रहा है अगर इसको हमें खाली करना है, और हम इसको खाली कर रहे हैं एक बॉटल में जिसका शेप है हमारे पास है, डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी है 4 सेंटीमीटर ठीक है, इसका पानी निकाल के इसमें अगर भर रहे हैं तो ये बताओ कितनी बॉटल में इसका पानी आ जाएगा ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमें इसे खाली करना है, खाली किस में करना है, बॉटल में, और बताना है कि कितनी बॉटल लगेंगी इस पानी को यहां से निकालने में ठीक है, समझ में आ गया। खाली करना हमें तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है हमारा बड़ा है ठीक है, इसको हमें खाली किस में करना है, इसमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम ठीक है, इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उस वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा इसके वॉल्यूम से। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बॉटल ठीक है, क्योंकि इसका पानी निकालना है इस बॉटल में, जब हम लोग इसे इससे डिवाइड कर देंगे ना तब हमें पता चल जाएगा कितनी बॉटल लगेंगी हमें इसको खाली करने में ठीक। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, सोल्यूशन तो अपने आप आ ही जाएगा ठीक है। देखो कैसे आएगा सोल्यूशन, देखो तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंटरनल ठीक है इंटरनल रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसका है, ये इस बोल की हम लोग बात कर रहे हैं, बोल मतलब क्या होगा कटोरी ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर रेडियस दिया हुआ है, यहां पर लिख देते हैं रेडियाई ठीक है, रेडियाई हमारी किसका, सिलेंडर, या फिर रेडियाई ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉटल बोल सकते हैं ठीक है,
तो इसका जो हमारे पास रेडियाई दिया है वो कितना दिया है, 1.5 नहीं 3 दिया है, ठीक है। 3 का अगर ये, सॉरी, ये डायमीटर दिया, इसका हाफ कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेडियाई। अब इसकी हाइट हमें दी गई है, तो हाइट ऑफ बॉटल हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया ये बताओ कि इसके अंदर का पानी अगर हम लोग इस तरह की बॉटल में डालते हैं तो कितनी बॉटल लगेंगी इस कटोरे को खाली करने में। तो अभी बताते हैं क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ बॉटल, ठीक है, रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बोल। बस यही करना है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना पड़ेगा हमें, इसका निकालना पड़ेगा बोल का, ठीक है। डिवाइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ किससे, बॉटल से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉटल निकालनी है जिस बॉटल में पानी भरा जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा इसके वॉल्यूम से, ठीक। क्लियर। तो चलो, इसका वॉल्यूम क्या है, ये हमारा किस शेप में है, जो बोल है हमारा किस शेप में, हिमिस्फीयर शेप में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वॉल्यूम हम लोग किसका निकालना है, बोल का, ठीक है, मतलब कटोरी का। कटोरी हमारा किस शेप में है, जिस शेप में होगी उस शेप का ही हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सिलेंडर का है तो सिलेंडर का लिखो, कोन का है तो कोन का लिखो, ठीक है, इसमें हमेशा भूलना मत, ठीक है, यही गलती हो जाती है अधिकतर। तो यहाँ लिखा 2/3 पाई हो गया, यहाँ पर आर ये हो गया हमारे पास क्यू, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बॉटल, बॉटल हमारा किस शेप में है, ये हमारा है डायमीटर, सॉरी, ये हमारा है किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा पाई, ये होगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एच, ठीक है। ये लिखा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/3, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने पाई, और यहाँ पर लिख दिया हमने आर क्यूब कर दिया, डिवाइड कर दिया। पाई हमारे पास है तो पाई को पाई कर देते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एच, पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। 2/3 है। अब यहाँ पर क्या है, आर, हमें आर पता है ना कितना है, 9 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/3 × 9 × 9 × 9, ठीक है। तो 3 से 3 डिवाइड में आ दो, डिवाइड में क्या आर स्क्वायर है ना, तो आर हमारे पता है कितना भैया, 1.5 है, तो 1.5 × हम कर देंगे 1.5 × h, हमारे पास कितना है, 4 है, तो हमने लिख दिया 4, बस और कुछ नहीं करना। अब सिंपल सा इसको हम लोग अच्छे से इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटा दो तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 जीरो चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे 2 × 3 × 9 × 9, और यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 चले गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, 100 चला गया, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 15 × 15, ठीक है, और आ जाएगा यहाँ पर 4। तो 4 से इसे करो, 4 × 2 = 8, 25 चला जाएगा, है ना, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे, 4 × 5 = 20, ठीक है, 20 है ये, 5 से चलेगा, 5 से 5 3 जा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, फिर से करते हैं 5 5 3 जा, 3 से 3, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, 3 9 2, ठीक है, यही बच रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा यहाँ पर हमने कर दिया 6 × हो गया हमारे पास 9, तो वो 3 2 जा 6 × हो गया 9, और यहाँ पर आ जाएगा 6 9 जा 54, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इतनी बॉटल लगेंगी अगर हम लोग इस कटोरी के पानी को बॉटल में भरते हैं, तो बहुत बड़ी कटोरी भैया, 54 हमारी क्या लग रही है, बॉटल्स लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड कितनी हो रही है भैया, 54 हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, तो क्वेश्चन 24 का कह रहा है, कह रहा है कि आ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, द इनसाइड रेडियस ऑफ द बोल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज इन मेकिंग द बोल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास कटोरी है, ठीक है, कटोरी की जो मोटाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मोटाई है। अब कह रहा है उसके जो अंदर का रेडियाई है ना, रेडियस है ना, वो है 4 सेंटीमीटर, तो भैया फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज इन मेकिंग द बोल, मतलब कटोरी को बनाने में जो स्टील लगा है ना उसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जो हमने सील वाला क्वेश्चन, सेल सॉरी सील नहीं, सेल वाला जो क्वेश्चन किया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 था बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी हमारा क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमारे पास कटोरी है, ठीक है, उसको हाथ में लिया वो बाहर निकल गए, नहीं बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो नहीं नहीं बाहर नहीं निकलना, यही रहो क्योंकि इसका सोल्यूशन यही मिलेगा। तो ये हमारी कटोरी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसकी जो मोटाई है, कुछ इस तरह से मोटाई होती है हमारी, है ना, मतलब कटोरी की, तो इसकी जो मोटाई क्वेश्चन कह रहा है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको बनाने में जो भी स्टील लगी है उसका वॉल्यूम बताओ। देखो ये कटोरी है, कटोरी हमारी अंदर से क्या होती है, खाली होती है, खाली होती है ना, बिल्कुल। देखो ये हमारी अंदर से क्या है, खाली है, बस इतना है। इतने बनाने में जो स्टील लगी है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, इसका बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके जो अंदर का वॉल्यूम होगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें ये स्टील का वॉल्यूम मिल जाएगा। देखो कैसे समझना, फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई कटोरी तो नहीं है, मगर एक हम एक कैप से समझा देते हैं आपको। एक मेरे पास कैप है, ठीक है, समझ लो ये हमारा क्या है, ये कटोरी है, ठीक है, बिल्कुल कटोरी जैसा है, ऐसी ही होती है, थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पर कह रहा है इसकी जो थिकनेस है, ये देखो ये जो थिकनेस दिख रही है ये है 0.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसको बनाने में, देखो ये कितना बना है, सिर्फ इतना ही तो बना है, ये देखो है ना, ऐसा ही बना हुआ है हमारी कटोरी भी, तो उसको बनाने में जो स्टील लग रही है उसका वॉल्यूम हमें बताना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, इसके बाहर वाले वॉल्यूम से माइनस कर देंगे अंदर वाले वॉल्यूम को। अब अंदर वाले को क्यों माइनस करेंगे, देखो क्योंकि अंदर हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाली है, खाली है ना, जब इसको माइनस कराएंगे इससे तो हमें पता चल जाएगा इतने पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, इतने पार्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए ना, तो इतना हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले वॉल्यूम को माइनस कराना पड़ेगा अंदर वाले से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आते हैं इसके सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप आते हैं सोल्यूशन। तो यहां पर क्या दिया है, इनर इनर रेडियस, इनर रेडियस जो दी गई है वो कितनी है हमारे पास भैया, इनर रेडियस दी गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ द बोल, ऑफ द बोल, थिकनेस ऑफ द बोल दिया है हमें 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये दे दिया गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितने में हमें स्टील लगी हुई है, जितना पेंसिल हम डार्क कर रहे हैं उसी का हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो पहले तो हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी आउटर रेडियस भी पता होनी चाहिए। आउटर रेडियस मतलब क्या हो रहा, क्वेश्चन ने बताया कि हमें यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस दे दी गई, मगर हमें बाहर की भी रेडियस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि हमें आउटर का भी तो चाहिए ना, आउटर का वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर वाली रेडियस को प्लस कर देंगे इसकी थिकनेस से, तो हमें बाहर की रेडियस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने आउटर, आउटर रेडियाई, ये रेडियाई ऑफ द पोल, तो यहाँ पर हमने लिखा 4 जो हमारी इनर है, प्लस हो जाएगी थिकनेस जो हो जाएगी 0.5, तो हमें मिल जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतनी बात, तो आउटर रेडियाई भी हमने निकाली, इनर भी आ गई, अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। तो सिंपल सा क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टील, ठीक है, जो हमारी क्या हुई, यूज्ड हुई, वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इक्वल्स टू, हमने क्या कहा कि बाहर वाले वॉल्यूम को, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ आउटर इस हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर बोल देते हैं या फिर बोल भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे लिख दिया हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस करेंगे वॉल्यूम, ठीक है, किससे, वॉल्यूम ऑफ इनर, इनर हेमिस्फीयर। क्लियर हो गए, हमें क्या करना है, बाहर के हेमिस्फीयर का मतलब जो हमारे पास बोल है उसके बाहर वाले वॉल्यूम को माइनस कराना है अंदर के वॉल्यूम को, ताकि हमें इसका जो वॉल्यूम मिल सके जितना हमारा स्टील बना हुआ है, लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3, यहाँ पर लिख दिया हमने पाई, ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर क्यूब माइनस, अब यहाँ पर इनर की बात कर रहा है तो यहाँ लिखा 2/3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया पाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
आउटर रेडियस की बात करें तो कैपिटल, अंदर वाले की बात करें इनर की, तो इसे स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिखा हमने 22, सॉरी 2/3। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 2/3 पाई, यहाँ पर लिखा है -2/3 पाई, दोनों है ना, तो हम लोग इसे पाई को बाहर क्यों ना निकालें, मतलब 2/3 पाई निकालिए, अंदर बचा r³ - r³, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे, तो यहाँ लिखा 2/3, यहाँ पर कर दिया हमने पाई, और यहाँ पर है आर, आर हमारे पास कितना है, ये है 4.5, 4.5 ये हो गया क्यूब, माइनस ये आर हमारे पास कितना है 4 है, तो यहाँ पर कर दिया 4 का क्यूब, ठीक है। अब 4.5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसका जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई, इसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास 91.125, ठीक है। माइनस 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का हो जाएगा हमारे पास 64, कर दिया हमने 64, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है, पाई आ गया। पाई को हम लोग 22/7 भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा 22/7, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस करने में आ जाएगा 27.125, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने किसी से जाएगा ये, शायद अभी तो नहीं जा सकता है ना, अगर जाएगा तो बहुत पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका पहले पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, यहाँ पर हमने 1000 कर दिया। अब क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई से करो, तो कितना आ जाएगा 44, डिवाइड कर दो 7 से 21, इंटू कर दो यहाँ पर 27125, और डिवाइड कर दो यहाँ पर 1000, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसे 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 85, ये आ गया। अब इसे 25 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 40 आ गया, अब हम लोग इसे किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर होगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा। 5 से करो 5 8 जो 40 8 आ गया। अब ये किससे जा सकता है, ये हमारा किसी से जा सकता है, तो ये हम लोग किससे करेंगे, 4 से करते हैं ना, 4 से करते हैं, तो 4 से ये चला जाएगा 11, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 2 से इसे कैंसिल करते हैं, तो 2 1 जो 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0.8.5, ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा, यहाँ पर बचा 11/21, और इंटू बच रहा है हमारे पास 108.5, ठीक है, ये बचा। अब हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, तो हम लोग अब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 108.5 × 11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1193.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करके खुद भी देख सकना, देख लेना, यही आएगा। और यहाँ पर होगा 21 21 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.83 आता रहेगा, 33 आता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर 83 ले लेंगे, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन खुद से अच्छे से करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियाई ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। देखो क्वेश्चन 24 25 बिल्कुल सेम है, उसमें हमें क्या पूछा था, हमें वॉल्यूम पूछ लिया था, और इस बार हमसे क्या पूछ लिया है, कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो ये हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है, इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर इज बॉल इज मेड स्टील, ये इसकी थिकनेस दे दी गई, ठीक है, थिकनेस हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर है, और इनर रेडियाई मतलब यहाँ से ये हमारी एक बॉल है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास बड़ी सी। अब इसके अंदर ये हो गए हमारी 3D में है ये, ठीक है, तो देखो इसकी इनर रेडियाई दे दी गई, इसकी थिकनेस ये है हमारी, ठीक है, थिकनेस है हमारे पास 0.25। अब इसकी इनर रेडियाई हमको दे दी गई है कितनी, इसकी दे दी गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है कि इसके आउटर है ना कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है बाहर का, तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आउटर रेडियाई भी चाहिए होगी है ना, आउटर रेडियस भी चाहिए होगा, तो आउटर रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनर रेडियस है उसको ऐड कर देंगे, किससे, उसको ऐड कर देंगे इसकी थिकनेस से, तो हमें क्या मिल जाएगी, आउटर रेडियस, रेडियस जहां मिलेगी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे तुरंत आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहां पर हमें क्या गिवन है सोल्यूशन, सो यहां पर गिवन है हमें इनर, ठीक है, इनर रेडियाई, इनर रेडियाई ऑफ क्या, किसकी बॉल, ठीक है,
ये हमारे पास है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो हमें गिवन है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर, ये गिवन है ठीक है। ये दो चीज हमें गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी आउटर रेडियाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनर को प्लस कर देंगे थिकनेस से, तो यहां कर दिया हमने आउटर रेडियाई, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 0.25, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5.25 ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, सॉरी आंसर नहीं आया, ये आ गया हमारा आउटर रेडियाई आया। क्वेश्चन ने पूछा आउटर कर्व सरफेस एरिया, लिख दिया आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आउटर कर्व सरफेस किसका निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, बोल का, किस शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में ठीक है, हेमिस्फीयर शेप में। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया इतना। अब यहां पर क्या है हमारे पास, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 लिख दिया। आर हमारे पास क्या है, अब देखो ध्यान देना, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आउटर कर्व सरफेस, तो इसकी जो रेडियस होगी ना वो होगी हमारी आउटर वाली। अगर हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया लगाते, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते, तो इनर वाली रेडियस हमें लिखनी पड़ती ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, आउटर की बात करें तो आउटर की रेडियस हम लोग यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर कितनी है, 5.25 है, यहां पर कर दिया हमने स्क्वायर ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हमने 2 इंटू, लिखा यहां पर 22/7 ठीक है, यहां पर स्क्वायर में है तो यहां लिखा 5.25, और यहां पर हमने कर दिया 5.25, पॉइंट हटाया नीचे आ गया हमारे पास 100, फिर से पॉइंट हटाया नीचे आ गया हमारे पास 100। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ कर दिया इनटू, यहाँ पर हमने कर दिया 22 बाई, यहाँ पर कर दिया 7, इनटू कर दिया 525 और डिवाइड में आ गया 100, इनटू कर दिया हमने 525 और डिवाइड में कर दिया 100 ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, कितने से जाएगा, 21 से चला जाएगा, तो 21 कर दिया। इसे करेंगे तो फिर ये भी चला जाएगा हमारा 5 से, मतलब 25 से करेंगे तो 25 से ये भी 21 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4। 2 से कर दो भैया, तो 2 से कर देंगे तो 2 2 जन ये हो जाएगा 11, 7 3 जन 33 इंटू 21, तो यहाँ कर दिया हमने 33 इंटू, कर दिया 21 और डिवाइड में हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, 4 को इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33 इंटू, आ जाएगा 5.25 ठीक है। अब 5.25 का हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो हमें मिल जाएगा 173, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा स्क्वायर ठीक। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया ठीक है, सी एस ए, किसकी आई है, आउटर की ठीक है, किसकी, आउटर की, यहाँ पर आउटर लिख लेना बस। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पूरा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, मार करके ज़रूर जाना। इसके आगे के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।